told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष नहाके और यहाँ पर देखिए हमारे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट, मतलब अभी समर के लिए यहाँ पर मैडम, ये किसने बनाया? ये कोसुरकर सर। हाँ, कोसुरकर सर हैं। इन्होंने देखो पक्षियों के लिए ये एक प्रोजेक्ट तैयार की है, तो दाना पानी की व्यवस्था की है। अब बीच में क्या हो गया, इसमें बीच में पानी रहेगा और आजू बाजू में दाना रहेगा, तो पक्षी नहा धो के इसको खाना खा सकते हैं यहाँ पर। हाँ, अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना बहुत बढ़िया है। मैं भी ऐसा घर पे बनाऊंगा। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं तो हर साल बनाता ऐसा कुछ ना कुछ, मेरे घर में पड़ा था। हाँ हाँ, इसलिए फिर आइडिया आया कि इसका पड़ा है तो चिड़ियों के लिए कैसा इस्तेमाल। आइडिया विदाउट एक्शन इज नथिंग। यस, आइडिया विदाउट, सभी के दिमाग में आइडिया होती है पर एक्शन कोई लेता नहीं है, पर सर ने उसके ऊपर एक्शन लिए। बहुत बहुत बधाई। और पक्षियों के लिए ये देखो कि बहुत बढ़िया है। हाँ, कॉलेज जो हमारा कॉलेज है, दिखाता हूँ मैं आपको बड़ा सा बैनर, शंकरलाल अग्रवाल साइंस कॉलेज सालिकसा। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट होते रहते हैं और देखो, और यहाँ पे कुछ विद्यार्थी भी देख रहे हैं ताकि उनको प्रेरणा मिले। देखो, तो आप भी अपने घर पर ऐसे ही प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। और यहाँ पे देखो गार्डन, बहुत अच्छा गार्डन है। और ये देखो प्लास्टिक के पानी के लिए। हाँ, ये देखो यहाँ पे खंडा है। सर ये कौन सा वाला खंडा है? राइस। जय श्री राम का खंडा? नहीं नहीं, वो पता नहीं, राइस है। स्पॉन्सर राइजर मत करो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैंने भी अपने हमारे यहाँ जाम का पेड़ मैडम, तो वहाँ पे मैंने बहुत बड़ी थाली में खंडा, ये चावल बारीक वाला रखा था, उस पर मैंने गेहूँ रखा था। फिर और ये देखो, ये नेचुरल चीजें हैं यहाँ पर पेड़ के ऊपर में। तो मैंने एक सुविचार भी बताया था, जैसे जिसकी सोच वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए दाना रखता है, ऐसा। तो सर की सोच बहुत बढ़िया है, पर बंदूक नहीं रखी सर ने, दाना रखा है। ये भी लटकाओ ना, इसमें पानी भर के देती हूँ। देखो तो मैंने YouTube पे बहुत सारे देखा है, बहुत सारे लोग पक्षियों के लिए रखते हैं। एक मिनट दिखा मैडम, यहाँ पे मैडम ने पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था की है। हाँ, वेरी प्रेरणादायक काम है ये, मतलब पक्षियों के लिए चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ मनुष्य ही जीवित नहीं रहना चाहते, पक्षी भी रहना चाहते हैं, ऐसा मैडम का कहना है। और यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी है, पक्षियों की भी है, साथ में पेड़ पौधों की भी है। तो यहाँ पे अलग अलग पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। अब ये वाला पौधा मालूम नहीं, ये कुंदा का होगा शायद, ऐसा लगता है।